आइए हम लोग भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीखते हैं। प्रश्न उठता है कि भारत का भूगोल हम क्यों पढ़ें? हम कंप्यूटर्स हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, हमारा धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, हम भारत का भूगोल सीखें। लेकिन सीधी सी बात है कि चाहे भारत स्तर की सर्विस हो, IAS हो, चाहे प्रोविंशियल सर्विस हो, डिफेंस सर्विस हो या छोटी सर्विस हो, सब में प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के भूगोल पर सबसे, क्योंकि यह प्रथम तो सामान्य अध्ययन का विषय है। लेकिन भूगोल एक विषय भी है, स्वतंत्र विषय है, जिसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में विश्व का भूगोल आता है। विश्व के भूगोल में हम लोग पूरी दुनिया के भौगोलिक पक्षों का सैद्धांतिक विवरण सीखते हैं, और हम भारत में हैं इसलिए हमारा सेकंड पेपर इंडिया की ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, जिसमें हम भारत के भूगोल का अध्ययन उन सिद्धांतों के द्वारा सीखते हैं जो सिद्धांत दुनिया में सीखे गए हैं। जैसे विश्व स्तर पर यदि हमने प्लेट टेक्टानिक सीखा है तो भारत के अध्ययन के समय हम प्लेट टेक्टानिक को पढ़ते हैं। विश्व स्तर पर हमने यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन सीखा है तो भारत में उसके व्यावहारिक पहलू का अध्ययन करते हैं। इस तरह से भारत का भूगोल भारत के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इसी तरह से भूगोल के विद्यार्थी विश्व में विश्व स्तर का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कनाडा का विद्यार्थी हो, ब्राज़ील का विद्यार्थी हो, जापान का विद्यार्थी हो, उसको विश्व का भूगोल पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे उसको सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर वही बच्चा अपने वतन, मातृवतन, मातृभूमि कनाडा का अध्ययन करेगा, जापान का अध्ययन करेगा, ब्राज़ील का अध्ययन करेगा। इस प्रकार यह प्रादेशिक अध्ययन हो जाता है, और जापान का स्टूडेंट भी विश्व में प्लेट टेक्टानिक को सैद्धांतिक रूप में पढ़ा है, परिप्रशांत अग्निवलय पढ़ा है, लेकिन वह जब जापान का प्रादेशिक अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से वह सैद्धांतिक पहलू वहाँ उसको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से विश्व का भूगोल सिद्धांत है और प्रादेशिक भूगोल उसका एप्लीकेशन है, व्यवहार है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि सिद्धांत सीखना, सिद्धांत बोलना आसान है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना कठिन है। जैसे कोई कह दे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, सत्य बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए विश्व का भूगोल आसान है, लेकिन किसी देश का भूगोल कठिन है, और भारतीय कंप्यूटर के लिए, विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल अधिक कठिन है। और यदि आप मार्किंग देखें तो कोई भी कमीशन भारत के भूगोल में स्टूडेंट को कम नंबर देता है। क्यों? क्योंकि विश्व के सैद्धांतिक ज्ञान को प्रदेश में लागू करना एक कठिन काम है, इसलिए भारत के भूगोल को सीखना एक चुनौती है। अब आइए, एक चुनौती है और एक आवश्यकता भी है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में देखें इसमें क्या है। विश्व के मानचित्र पर आप भारत को देख रहे होंगे। यह भारत एक अनोखा देश है, हम भारतीयों की मातृभूमि है, इसलिए इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अपितु भारत एक अनोखा देश है, अनोखी भूमि है, जिसमें यदि आप देखें तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का मिलन है, ऐसी विश्व में कोई भूमि नहीं है। और यदि इसको देखें तो यहाँ पर उच्चावची विषमता बहुत अधिक है,
यदि एक तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ हैं तो बहुत पुराने पठार हैं और मैदान हैं, गहरी घाटियां हैं। लेकिन इसको जलवायु की दृष्टि अगर देखें, वायुमंडल जलवायु विज्ञान की दृष्टि, तो भारत को युवा सूर्य का देश कहा जाता है। युवा सूर्य के देश तो दुनिया में कई हैं, लेकिन यहाँ जब सूर्य युवा रहता है तो बर्फीली हवाएं भी रहती हैं। विश्व की सारी वनस्पति इक्वेटर से पोल तक यहाँ है, सारी मिट्टियाँ यहाँ मिलती हैं, सभी प्रकार की मिट्टियाँ जीवमंडल पाए जाते हैं। और यही नहीं, विश्व के हर प्रकार की प्रजातियाँ भारत में हैं, हर प्रकार के विचार हैं, लोग हैं और हर धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, संस्कृतियाँ हैं। इस तरह से यह देखा जाए तो यह भारत भूमि पूरे विश्व को अभिव्यक्त करती है और यह एक ऐसी भूमि है जो कि इस पृथ्वी पर अनोखी है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत का भूगोल एक आवश्यक अध्ययन है, ज्ञान है हमारे लिए। आइए हम देखते हैं कि भारत का भूगोल क्यों पढ़ें। व्हाई टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्यों का उत्तर यही होगा कि हम भारत भूमि पर क्यों पैदा हुए हैं। हम कनाडा में भी पैदा हो सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकते थे, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में भी, क्यों भारत में ही पैदा हुए, यहीं से हमारा उत्तर शुरू होता है। इस क्यों का उत्तर भौतिक जगत में न मिलकर पराभौतिक क्षेत्र से मिलेगा, मेटाफिजिक्स। अर्थात यदि आप कर्मयोग गीता में जाएं तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जिस कर्म में लगा हुआ, उसका स्मरण करता हुआ, उस क्षेत्र से आबद्ध होकर अपने शरीर का त्याग करता है, वह अगले जीवन में उसी को प्राप्त होता है। यो याम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम ताम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यह बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। इसका मतलब कि हम पिछले जन्म में निश्चित रूप से भारत भूमि में थे, यही हमारी माता थी। और हम चाहे बिजनेस में रहे हों, सर्विस में रहे हों, राजनीति में रहे हों, निश्चित रूप से इससे हमारा लगाव था, इसीलिए यहाँ पैदा हुई और उसी से हमारे संस्कार हैं। इसलिए हमको भारत का भूगोल पढ़ना हमारा एक प्राकृतिक कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि जो हम यहाँ करेंगे, हमको निश्चित रूप से इस शरीर का परित्याग कर एक दिन उह लोग जाना ही पड़ेगा। और वहाँ प्रश्न बनेगा ही कि आपका कैसा रहा, तो हमको कहना ही पड़ेगा कि हमारी मातृभूमि दुनिया की हर मातृभूमि से सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी रही। वैसे यही उत्तर सब देंगे, सबकी माता सबको अपने अपने को प्यारी होती है। अगर हमारी माता दुनिया की हीरोइन है, बहुत खूबसूरत है, हमको सबसे प्यारी है, तो कोई एक दूसरा पड़ोसी है जिसकी माँ भले ही खूबसूरत न हो, लेकिन वह उसी की माँ है, हमारी माँ नहीं हो सकती है। इसलिए हर मातृभूमि सब व्यक्तियों के लिए, सब जीवधारियों के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से क्यों पढ़ें, पहला उत्तर यही होता है। और इसको हम कैसे पढ़ते जाते हैं, बच्चा कैसे सीखता है, जैसे ही पैदा होता है वह क्या करता है। क्या माने होयर, होयर माने कौन सी मेरी माँ है, फिर उसके मुँह से माँ निकलता है। एक माँ तो भौतिक माँ होती है, लेकिन दूसरी माँ, माँ की भी माँ ये धरती माँ होती है। इसलिए हमारी पृथ्वी पूरी माँ है और इस पृथ्वी पर
छोटे छोटे भूखंड हैं जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, और भारत हम भारतीयों की मातृभूमि है, और उस मातृभूमि की पूजा अलग अलग ढंग से की जाती है। भारतवर्ष में मातृभूमि की पूजा हम लोग करते हैं, और मातृभूमि में जैसे इस भारत भूखंड का कोई एक समुदाय अलग ढंग से पूजा करता है। छोटा सा बच्चा है वो कहता है इंडिया इज, सीधे से प्रेयर में कहा जाता है इंडिया इज माई मदरलैंड, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर कुछ समुदाय के लोग मातृभूमि की पूजा अलग ढंग से करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, कुछ ऐसे पूजा करते हैं, कुछ अलग ढंग से पूजा करते हैं, यह कहकर वंदे मातरम। इस तरह से भारत भूमि में कुछ लोग एक अलग ढंग से पूजा करते हैं। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, ऐसी भी पूजा की जाती है। और यही राष्ट्रगान हो गया है, और हमारे राष्ट्रगान में पूरा तो भूगोल ही है, अर्थात हम अपने इस मातृभूमि में पंजाब, पंजाब का मतलब आज का पंजाब नहीं, पुराना पंजाब माने जिसमें कि हिमाचल प्रदेश पेप्सू भी आता था और पाकिस्तान का भी पंजाब आता था, सिंधु, सिंधु केवल यह प्रांत नहीं, केवल पाकिस्तान का प्रांत नहीं अपितु सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा क्षेत्र। इसीलिए तो हमारे राष्ट्रगान में हमारी धरती माँ की पूजा की गई है, हम लोग खड़े होकर पूजा करते हैं। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड, द्रविड साउथ के लोग, उत्कल उड़ीसा, और बंग, बंगा नहीं बंग, बंग माने आज का वेस्ट बंगाल बांग्लादेश ये सब, और विंध्य, विंध्याचल की बात, हिमाचल पूरा हिमालय, क्यों, क्योंकि विंध्याचल पहले बना, हिमालय बाद में बना, हमारे राष्ट्रगान में ज्योलॉजी भी है। और अगर हम स्टेट की बात किए और पर्वतों की बात किए तो भला नदियों के बिना कैसे पूरा होगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यमुना इस पूरे नदन प्लेन को बनाने वाली नदी यमुना और उसकी जितनी सहायक नदियाँ इस पठार से निकल रही उनको भी हम प्रणाम करते हैं, और गंगा जो हिमालय की प्रतिनिधि नदी है और अपनी तमाम ट्रिब्यूटरीज के साथ आ रही उसको भी प्रणाम करते हैं। और इनको करने के बाद हमारा राष्ट्रगान पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उच्छल जलधि तरंग बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए, चाहे क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमी को कर रहा है, और इस तरह से हम लोग अपने राष्ट्रगान को करके हम अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं, और लास्ट में बोलते हैं भारत माता की जय। कहीं कहीं तो हाथी नहीं उठाते भारत माता की जय, क्या उचित है, नहीं, भारत माता की जय, जय में हमारा हाथ उठता है, लेकिन जब हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम में भारत माता को हमारी तीन शक्तियां सामने झुकती हैं, भगवान कृष्ण की माँ यशोदा, उनको यमुना के तीर छोड़कर स्नान करने के लिए गई, धरती माँ ने सोचा कि हमारे प्रभु आए हैं उनका दर्शन कर लें, जैसे प्रकट हुई वैसे ही भगवान कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, माँ प्रणाम, माँ कहा, जबकि वही प्रभु, वही सृष्टि के रचयिता धरती को रचे हैं, इसके बाद भी माँ कहा, क्यों, कुछ बात है। अम्मा कह के प्रणाम कैसे किया, इस शरीर में तीन शक्तियाँ हैं,
एक मनोबल, एक बाहुबल, एक हृदय बल, तो तीनों को उन्होंने सम्मिलित करके माँ प्रणाम किया। इसलिए हमारी भारत माता महान है और यह धरती माँ का एक भाग है, मदरलैंड है, मातृभूमि है। और इसलिए हमारा प्राकृतिक कर्तव्य बनता है कि हम इनका अध्ययन करें, और हम जाने अनजाने में करते भी हैं। कैसे? यदि एक छोटा सा बच्चा धरती पर चलता है और वह मिट्टी से उसका संपर्क रहता है, इसीलिए स्वस्थ रहता है। कभी कभी मिट्टी से दूर रहने पर, प्रकृति से दूर रहने पर अनेक बीमारियां होती हैं। इसीलिए तो प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का लेप बताया जाता है, मिट्टी अपने मातृभूमि की मिट्टी का लेप, जिससे हमारी शरीर बनी है। और इस तरह से हम भारतीय क्यों अध्ययन करें? क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण भारत के पर्यावरण से हुआ है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये सब के सब इसी मातृभूमि से मिले हैं। क्षिति माने चट्टान, रॉक्स, और भारत की चट्टानों का कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रसायन चक्र से होता हुआ, अर्थात मिट्टी से वनस्पतियों में आया, वनस्पति से जैविक रूप में हमारे शरीर में आया है। भी कभी कभी किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी भारत भूमि से ही पूरा होता है और आदमी निरोगित हो जाता है। और क्षिति के बाद जल, हमारे शरीर में जो जल है वह भारत भूमि का ही है। पावक, हमारे शरीर में जो कोई एनर्जी है, कितना भी भोजन पच जाता है वह भारतीय संसाधनों का ही है। गगन, हमारे शरीर में यदि कहीं पर वायु है तो निश्चित रूप से वह भारत की वायु है, कनाडा की और अंटार्कटिका की नहीं है। और सबके शरीर में वायु रहती है, किसी को ज़्यादा हो गई, शरीर एयर ले ली तो उसको रोगी कहा जाता है। और इसमें समीर, समीर माने जो वायु चलती रहती है वो भी है। हमारी श्वसन क्रिया में हम भारत की ही वायु को श्वसन क्रिया से लेते हैं और निकालते हैं। इस तरह से हमारे भारत मातृभूमि के ही 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। इसलिए हमारा धर्म होता है कि हम भारत का अध्ययन करें और भारत के सभी पक्षों का, यहाँ के क्षिति माने स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल और सभी संसाधनों का, और हम इसी का ही अध्ययन करते हैं। चाहे भूगोल के छात्र हों, सामान्य अध्ययन के छात्र हों या छात्र ना भी हों तो भी। आइए हम देखते हैं कि व्हाट एंड हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाट, हम क्या पढ़ें, आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि व्हाई टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एक पक्ष और है। हम इसी भारत में पैदा हुए हैं और इसी भारत में हम जिंदा रहेंगे, इसी भारत में कार्य करेंगे, इसी भारत में अपने शरीर का परित्याग भी करना चाहेंगे। इसलिए जब हम बच्चे हैं, बाल्यावस्था में हैं, तब इसी भारत की भूमि पर चलते हैं और इसी भारत के हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, उससे सीखते हैं। हम इसी भारत के जीव जंतुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके अजैविक और जैविक जगत से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर जब हम बड़े होते हैं तो अपने गांव के बारे में सीखते हैं, और बड़े होते हैं तो अपने राज्य के बारे में, और फिर और बड़े होते हैं तो अपनी मातृभूमि भारत के बारे में, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम पृथ्वी के बारे में सीखते हैं। इस तरह से हमारा ज्ञान बढ़ता है। और हम जब कंपटीशन में बैठते हैं, PCS में, तो एक राज्य में
लेकिन IAS में बैठते हैं तो पूरे राष्ट्र स्तर की परीक्षा देते हैं, देश स्तर की। इस तरह से हम अपना विद्यार्थी जीवन पूरा भूगोल के ज्ञान को सीखने में लगा देते हैं। हमको राज्य स्तर की सर्विस में जाना होता है या हमको IAS में देश स्तर की सर्विस में जाना होता है, और विशेष रूप से हिंदी भाषी उत्तरी भारत के कई राज्यों में सेवा करते हैं और उनको उत्तर भारत का पूर्ण ज्योग्राफिकल नॉलेज हो जाता है। लेकिन IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब होता है, वहाँ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से असम अरुणाचल तक उनको यात्रा करना पड़ता है। इसलिए हमारा राष्ट्र धर्म है कि पूरे भारत के बारे में हम भूगोल का ज्ञान प्राप्त करें। जब शादी होती है नौकरी प्राप्त करने के बाद, तो निश्चित रूप से अब शादियाँ गांव में नहीं हो रही हैं। आज हमारा पूरा भारतवर्ष एक गांव है। क्यों? संचार के साधन से दूरी कम हो गई है, हमारे विस्तृत क्षेत्र सिमट से गए हैं, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम शादी भी इंटर स्टेट हो रही है, और शादी के बाद आदमी नौकरी कर रहा है तो पूरे भारत में घूमकर। मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, वह बिजनेस में जा रहा है, तो निश्चित रूप से भारत में कहाँ कौन संसाधन अधिक हैं, कहाँ कम हैं, इसकी जानकारी करके ही कोई व्यापार कर सकता है। जैसे उसको पता है कि गुजरात में मूंगफली अधिक होती है, कश्मीर में नहीं होती है, तो ट्रेड कर सकता है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट का नॉलेज भी ज़रूरी है। मान लीजिए वह बिजनेस नहीं कर रहा है, वह राजनीति में चला गया, तो राजनीति में एक स्टेट की राजनीति होती है, लेकिन एक पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में बैठने के बाद पूरे भारत के प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं, सबसे अंतर्क्रिया होती है, और वहाँ पूरे देश का भौगोलिक ज्ञान आवश्यक है। मान लीजिए वह राजनीति में भी नहीं जा रहा है, वह धार्मिक प्रकृति का है, और वह केवल धर्म के बारे में सोच रहा है कि कहाँ पर कौन मठ हैं, कहाँ पर कौन तीर्थस्थल है, तो निश्चित रूप से वह हिमालय में बद्रीनाथ केदारनाथ जाएगा ही, और वहाँ का भौगोलिक ज्ञान जिसमें कि प्राकृतिक और मानवीय प्राप्त करेगा। वह गुजरात में द्वारिकापुरी जाएगा ही, वह उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जाएगा, वह दक्षिण में तमिलनाडु में रामेश्वरम जाएगा ही। इस तरह से पूरे देश का देशाटन उसको हो जाता है, और इस प्रकार से वह पूरे राष्ट्र में धार्मिक आधार पर एकता पाता है। तो चाहे जिस दृष्टि से भारत में जीना है, अध्ययन की दृष्टि से, सर्विस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, निश्चित रूप से भारत का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। वैसे तो विदेश के लोग जब भारत में आते हैं और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते हैं, तो वहाँ पर वह एक इंडिया ईयरबुक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक खरीद लेते हैं, और बैठे बैठे बस में पलटकर इंडिया की सारी चीज़ों को दिमाग में रख लेते हैं। इंडिया में कौन धार्मिक स्थल कहाँ है, पर्यटक स्थल कहाँ है, कौन रिसोर्स कहाँ है, इसकी पूरी जानकारी कर, और 15-20 दिन तक देश में रहकर पूरा ज्ञान प्राप्त कर वह अपने देश लौट जाते हैं। उनको प्राविंशियल सिविल सर्विस में नहीं एग्जाम देना है, उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं एग्जाम देना है इसके बाद भी। इसका मतलब हुआ कि हमको तो यहीं एग्जाम देना है, यहीं करना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। इसलिए हमारा तो प्राकृतिक और राष्ट्रीय धर्म होता है कि हम भारत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। इस तरह से व्हाई टू स्टडी ज्योग्राफी, इसको हम समझ गए, और इसके बाद अगला पॉइंट बनता है व्हाट एंड हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाट
भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ें, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। फिर कैसे पढ़ें इसको भी देख लेते हैं। क्या पढ़ें इसमें, यदि हम भारत में देखें तो भारत में दो तरह के भूदृश्य मिलते हैं। पहला है प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा है मानवकृत भूदृश्य। हम भारत में राजनीतिक सीमा के अंदर यदि ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्राकृतिक चीज़ों में पहला है लिथास्फेरिक स्थलमंडलीय और दूसरा है एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय, तीसरा हाइड्रोस्फेरिक जलमंडलीय, चौथा पेडोस्फेरिक मृदा मंडलीय, पाँचवा है बायोस्फेरिक जीवमंडलीय। इसको प्रकृति ने भारत को दिया है संसाधन के रूप में, इसलिए हम लोग पहले भौतिक या प्राकृतिक भूदृश्यों या तत्वों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर आता है मानव, और मानव ने किस तरह से अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और अपना घर बनाया, रोड बनाया, इंडस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स कैसे किया, ये मानवीय क्रियाएं हैं। इसलिए भारत के भूगोल को पढ़ने में इसके दो पार्ट हैं, एक प्राकृतिक या भौतिक भूगोल, दूसरा मानवीय या आर्थिक भूगोल। हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे इसका ब्यौरा तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन लिथोस्फीयर में यहाँ पर एक तरफ ऊंचे माउंटेन हैं तो बहुत पुराने प्रायद्वीपीय पठार हैं और वहीं गंगा का मैदान है और डेजर्ट है तो कोस्टल प्लेन भी हैं। इसका मतलब यहाँ पर स्थलमंडलीय डाइवर्सिटी विविधता है, विश्व के हर प्रकार के स्थल स्वरूप यहाँ मिलते हैं, इसका हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और अगर स्थल मंडल में विविधता है तो निश्चित रूप से यहाँ का एटमॉस्फियर, यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ की मेटरोलॉजी भी डाइवर्स है। दुनिया की कोई भी जलवायु ऐसी नहीं है जो भारत में न मिले। ऐसा लग रहा है कि हमारी मातृभूमि ने दुनिया के हर जलवायु दशाओं को यहाँ समेट रखा है। दुनिया में इक्वेटोरियल क्लाइमेट भूमध्य रेखीय जलवायु से ध्रुवीय जलवायु दशाएं मिलती हैं, भारत में सभी हैं। भारत में यदि साउथ में इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसी दशा है तो यहाँ पर हॉट डेजर्ट जैसी दशा भी है। यहाँ पर पोलर रीजन की टुंड्रा और टाइगा प्रकार की भी जलवायु दशाएं हैं, और यहाँ पर सीजन भी बदलते हैं, अर्थात एक बार गर्मी ने अगर भारत को अपनी चपेट में लिया तो ठंडक भारत को छोड़ भी नहीं सकती है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोस्फेरिक जलमंडलीय विविधता भी है, पूरे विश्व का हर प्रकार का जल यहाँ मिलता है। वह टुंड्रा रीजन का बर्फीला ठोस जल भी हो सकता है जो भारत के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में मिलता है, वह मीठा जल भी हो सकता है चाहे नदियों में हो, झील, तालाब, भूमिगत जल या वायुमंडल में गैसीय रूप में। यहाँ खारा जल एक लंबी तट रेखा के सहारे बहुतायत में पाया जाता है। जलमंडलीय विविधता के बाद हमारे भारत में मृदा मंडलीय विविधता भी है, अर्थात हमारे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लैटराइट सॉयल से लेकर और पोल के टुंड्रा पाडजोल सॉयल तक की विविधता भारत में मिलती है, मृदा मंडलीय विविधता भारत में मिलती है। जैसे यदि दक्षिण भारत में और मेघालय पठार पर लैटराइट सॉयल मिलती है जो कि भूमध्य रेखीय प्रकार की है तो निश्चित रूप से यहाँ पर उत्तरी हिमालय भाग में बर्फाच्छादित क्षेत्रों पर टाइगा प्रकार की पाडजोल सॉयल और टुंड्रा प्रकार की बर्फीली मिट्टी मिलेगी, तो वहीं पर राजस्थान के डेजर्ट में मरुस्थली मिट्टी और गुजरात में दलदली मिट्टी भी उपस्थित है। मृदा मंडल के बाद हम देखते हैं बायोस्फीयर। दुनिया में जीव मंडल कई प्रकार के होते हैं जो भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल बायोम से लेकर और
पोलर बायोम तक मिलते हैं, लेकिन उन सब का प्रतिनिधित्व अपने भारत की मातृभूमि पर भी है। यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी के आसपास भूमध्य रेखीय प्रकार के बायोम मिलते हैं, तो वहीं पर पोलर बायोम भी उपस्थित है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की बर्फाच्छादित चोटियों पर इस तरह से यह प्राकृतिक या भौतिक भूदृश्य हम भारत में पढ़ते हैं। वह आधारशिला है भूगोल की और उसी पर इमारत खड़ी होगी मानवीय, सांस्कृतिक और आर्थिक भूदृश्यों की। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन में हम लोग इन प्राकृतिक संसाधनों का अर्थात स्थल मंडली, वायुमंडली, जल मंडली, मृदा मंडली, जीव मंडली संसाधनों का भारत में वितरण और उनके कारणों का अध्ययन करते हैं। और उन्हीं संसाधनों में एक आता है मानव संसाधन। भारत में मानव संसाधन कहाँ से आया, क्यों विविधता है, क्यों यहाँ पर काकेसाइड भी हैं, मंगोलाइड भी हैं, निग्राइड भी हैं, ऑस्ट्रेलाइड भी हैं, इसका अध्ययन हम लोग मानव संसाधन में करते हैं। और मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो हर प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करता है और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या भौतिक विकास के लिए उनका दोहन करता है, प्रदूषण करता है, परिणाम स्वरूप उनका प्रबंधन भी करता है। इस प्रकार हम भारत में संसाधनों के वितरण का अध्ययन करते हैं। और संसाधनों को पहचानने के बाद मानव की पहली आवश्यकता भोजन है। भोजन के लिए वह भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि करता है। भोजन की आवश्यकता की आपूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता उसकी वस्त्र है। वस्त्र के लिए निश्चित रूप से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना ही पड़ेगा। और इस तरह से विभिन्न प्रकार के उद्योग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, चाहे वो खनिज आधारित उद्योग हों, कृषि आधारित उद्योग हों या वन आधारित उद्योग हों। इसलिए यह उद्योग, यह औद्योगिक भूदृश्य भी भूगोल का एक मुख्य बिंदु है। उद्योग के बाद फिर हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड पढ़ते हैं। क्या ज़रूरत है ट्रेड ट्रांसपोर्ट पढ़ने की, क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में देखा कि क्षेत्रीय असमानता है इनके वितरण में। कहीं पर मिनरल रिसोर्स ज़्यादा है, कहीं पर कम। उन मिनरल रिसोर्स को, जैसे कोयला है, हमको भारत के अन्य भागों में ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए रेल रोड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर गुजरात में मूंगफली ज़्यादा है तो उसका ट्रेड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। असम की पूरी चाय असम के लोग ही नहीं पी लेंगे और कर्नाटक का मसाला पूरे देश में जाएगा ही। इसलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। और इस तरह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूदृश्य है जिसका अभी अहर्निश विकास हो रहा है। और जब हम पूरे देश में यात्रा करते हैं, चाहे रेल, चाहे रोड, एयर, वाटर, किसी भी साधन से, तो हमको दिखाई क्या पड़ता है, सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य में विशेष रूप से कल्चरल सेटिंग हमको दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर असमिया निवास करते हैं तो वहीं पर पश्चिम में गुजराती हैं, इधर पंजाबी हैं और इधर तमिल हैं, उड़िया हैं। सबकी संस्कृति, विचार, वेशभूषा इत्यादि अलग होते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे देश में सेटलमेंट्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। सेटलमेंट्स में कहीं पर अगर टेंट हैं, कहीं पर जंगलों पर आधारित लकड़ियों पर बने हुए घर हैं, तो कहीं पर महानगर भी ऊंची अट्टालिकाओं से सजे हैं। इस प्रकार भारत में विश्व के
हर प्रकार के अधिवास मिलते हैं, और उस अधिवास के पीछे कौन सी भौतिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक कारक हैं, इसका हमको अध्ययन करना पड़ता है। इंडिया में सेटलमेंट की विविधता देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक टॉपिक होगा, जिसमें कि भारत में रीजनल डेवलपमेंट माने प्रादेशिक विकास में असंतुलन है। किसी क्षेत्र में जैसे उत्तरी गंगा के मैदान में कृषि का विकास अत्यधिक है, तो इधर पूर्वी भाग में या कोयलांचल क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों का विकास अधिक है। पूर्वोत्तर भारत में चाय के उद्योगों की प्रधानता है, तो पश्चिमी भारत गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। इस प्रकार औद्योगिक दृष्टि से भारत में क्षेत्रीय असमानता है, जिसके लिए नियोजन की जरूरत है। जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश, उसमें औद्योगिक नियोजन की जरूरत है। इस प्रकार हम लोग रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग भारत में पढ़ेंगे, और इसके आधार पर हम भारत में संतुलित औद्योगिक विकास की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जैसा कि भारत में सभी दृष्टि से विविधता है, विश्व के सभी विशेषताएं भारत में हैं, उसी प्रकार से भारत में विश्व के सभी राजनीतिक विचार भी हैं। यदि भारत में कहीं पर कम्युनिज्म है, जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे साउथ इंडिया में, तो कहीं पर कैपिटलिज्म पूंजीवाद भी है। इस प्रकार भारत के सभी राजनीतिक विचार, इस तरह से विश्व के सभी राजनीतिक विचार भारत में मौजूद हैं, और उसमें क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, इसके बाद भी भारत एक है। और लास्ट में टॉपिक है कंटेम्परेरी इशूज, समसामयिक मुद्दे, जिसमें कि हम पुराने भौतिक पहलू और मानवीय पहलू के उन मुद्दों का अध्ययन करते हैं जो समसामयिक हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारत एक गांव हो गया है, हमारे गांव के किसी घर में होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या अन्य क्रियाओं से हम वाकिफ होते हैं। इसीलिए कंटेम्परेरी इशूज में हम देखते हैं कि भारत में हाल के दिनों में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनके कारण और उनके पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक परिणामों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे अगर बारेन में ज्वालामुखी की घटना हुई, तो समसामयिक में इसके कारण परिणाम का अध्ययन करते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप या वहाँ पर भूस्खलन या हिमशिलास्खलन हुआ, उसके भी कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत के किसी क्षेत्र में यदि एक विदर्भ राज्य की मांग चल रही है, तो क्यों चल रही, उसका कारण और वहाँ पर क्या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, इन सब का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समसामयिक एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको कि हम लोग सीखते हैं, और UPSC अधिकांश रूप में इन्हीं समसामयिक मुद्दों पर जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं आज प्रश्न पूछ रहा है। ये रहा हम व्हाट टू स्टडी इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे। दो पहलू हैं, भौतिक और मानवीय आर्थिक। अब हम देखते हैं कि हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल हम कैसे पढ़ें। पढ़ने के कई तरीके होते हैं। नंबर एक, पुस्तक से विद्या प्राप्त की जाती है, और उस विद्या से फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या और ज्ञान में अंतर है, जिसको आप जानते हैं। पुस्तकस्थात्व या विद्या, यह विद्या पुस्तक में स्थित होती है। पुस्तक में विद्या कहाँ से आती है? जैसे भारत के
हिमालय क्षेत्र में भूकंप अधिकांश आते हैं। यह सेंटेंस अगर लिखा गया है तो यह तो पुस्तक की विद्या है, लेकिन लिखा किसने है जो यहाँ पर अनुभव किया होगा, सर्वेक्षण क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान पाया होगा। इसका मतलब सही ज्ञान भूमि पर होता है, परिस्थिति और पर्यावरण में होता है। इसलिए विद्यार्थियों को सबसे पहले तो पुस्तक से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, फिर उसको अपने मस्तिष्क में रखने की क्षमता बढ़ाना चाहिए, और जब मस्तिष्क में रहेगा तो निश्चित रूप से वह बोलेगा भी, और जब बोलेगा तो उसको लिखने का भी शौक निश्चित रूप से होगा। और अगर ये तीन गुण हो गए, तीन कर्म करने लगा कोई विद्यार्थी तो पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक पूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, पूर्ण माने पूरा आपको विद्या प्राप्त हो गई। लेकिन कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, यदि आप उस पढ़ी हुई चीज को किसी से वार्तालाप के दौरान डिस्कशन करते हैं तो वह चीज़ पक्की हो जाती है, आपके सारे डाउट खत्म हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। इसलिए पढ़ी हुई विद्या को आप निश्चित रूप से किसी से डिस्कशन करिए, और ग्रुप डिस्कशन आज कंप्यूटर्स के बीच में एक शौक है। लेकिन तीसरा सेंटेंस है, राइटिंग एग्जैक्ट मैन। यदि आप उसको लिख दिए तो आप एकदम एग्जैक्ट या परफेक्ट हो गए, और विद्यार्थी किसी कंपटीशन में वही सफल होता है जो लिखता भी है। इसलिए प्रतिदिन जितना पढ़िए उसका चिंतन करिए और उस पर डिस्कशन करिए, और उसी दिन उसको लिख करके मूल्यांकन करिए। ये रही पुस्तक की बात। लेकिन केवल पुस्तक की विद्या, जो कि सेकंड हैंड नॉलेज है, द्वितीय स्तर का ज्ञान है, पर्याप्त नहीं है। इसमें प्रथम स्तर के ज्ञान की भी जरूरत होती है। प्रथम स्तर का ज्ञान क्या होता है? जो हमको प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर, क्षेत्र में या पर्यावरण में दिखे। इसलिए आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, आप मैगजीन को पढ़ते हैं, पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उसका चिंतन मनन करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र को भी देखते हैं, और निश्चित रूप से भारत भूमि, चाहे आप किसी रिश्तेदारी में जाएं, पर्यटन में जाएं, या उसको फिल्म में देखें, सभी लैंडस्केप, सभी भूदृश्य दिखते हैं, और आपको ज़रूरत है उनके चिंतन और मनन की। जैसे हिमालय क्षेत्र में बर्फ है, तो उस सीन को देखते ही आप दिमाग में सोचिए कि बर्फ क्यों है, वो बर्फ कब आई, तिथि से अगर हिमालय निकला तो कितनी ऊंचाई होने के बाद बर्फ आई, ग्लोबल वार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में वह बर्फ कब तक रहेगी। इस तरह से भारत का भूगोल आप सीखते हैं। लेकिन आज यूपीएससी और अन्य राज्य कमीशन में प्रश्न पूछने की एक नई प्रवृत्ति आ गई है। आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें समसामयिक घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और उन पर टिप्पणियां भी निकलती हैं, और उनको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो पूरा भारत का पृष्ठभूमि आपके दिमाग में आ जाएगी, और आप उस पर बोल भी लेंगे, अर्थात इंटरव्यू भी अच्छा दे लेंगे, और आप अच्छा सा लिख लेंगे। इस प्रकार से आप भूगोल को पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी समसामयिक घटना होती है तो उसमें कारण और उसके परिणाम पर जरूर ध्यान दें। जैसे यदि किसी राज्य की मांग चल रही है तो आप ध्यान दें कि उस राज्य की भौतिक दशाएं क्या हैं, वहां की सामाजिक आर्थिक दशाएं क्या हैं, क्या वो मांग कर रहे हैं, और क्या उसका परिणाम भारत के मानचित्र पर क्या होगा, और क्या उस मांग करने वाले लोगों का संबंध कहीं विदेश से तो नहीं है, बाहरी संगठनों से तो नहीं है। इस प्रकार से भारत का भूगोल आप
पुस्तकों से, अखबार से, मैगजीन से और धरती पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखकर सीखते हैं और पढ़ते हैं। ये रहा भारत के भूगोल में क्या पढ़ा जाए और उसको कैसे पढ़ा जाए। इस प्रकार से आप अपने भारत भूमि या मातृभूमि को पहचान सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं कि क्यों इसको पढ़ा जाए और क्या चीज़ पढ़ी जाए। इसका भी एक वैज्ञानिक रूप से अपने दिमाग में बिंदुओं को रख सकते हैं और कैसे पढ़ा जाए, ये विशेष महत्वपूर्ण चीज़ है।